यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त का दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां प्रेमिका के पिता ने दिन दहाड़े प्रेमी को गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से ही फरार हो गया। जी हां, पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रेमिका के पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीर है बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गाँव सोहनपुर में रहने वाले युवक आरिफ की, जिसकी आज सड़के खेत में गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि आरिफ अपने ही खानदानी चाचा की बेटी से मोहब्बत करता था। दरअसल आरिफ गांव में रहने वाले खानदानी चाचा जमालुद्दीन की बेटी से मोहब्बत करता था, जिसकी भनक जमालुद्दीन को लगी तो जमालुद्दीन आरिफ की मोहब्बत का दुश्मन बन बैठा। बताया जाता है कि जमालू ने आरिफ को हत्या करने से पहले बुलाकर समझाया था और जब नहीं माना तो जमालुद्दीन ने आरिफ को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस हत्यारोपी जमालुद्दीन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने बताया है कि प्रेम प्रसंग के चलते आरिफ की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका के पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और शीघ्र ही हत्यारोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आज क्या हुआ, तुम्हारे भाई की हत्या कैसे की है, किसने की? जी भाई की हत्या चचेरा, हमारे पापा का चचेरा भाई है, उसने। क्या वजह थी? क्या वजह? कोई लड़की का वो हम मने भी करिए, उसने समझाया भी, या वो समझ गया, मानने फिर उसने अपना जाके और गोली मार दी उसने। भतीजे तो कहाँ गया था ये आरिफ और किस तरह? ये एक बोल गया था सवेरे सवेरे 6 बजे। अब ये पीछे से टेम्पो लेकर ऑटो CNG गया, इसने गोली मार दी। तो किस समय घटना हुई? समय तो 8 के लगभग, 7:30 या 8 के लगभग। तो ये जिससे आपका संबंध था, ये इसकी आरोपी की कौन लगती है? वो आरोपों की मतलब? तो ये जमालू की कौन लगती है? वो लड़की है। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है? अभी तो एक को गिरफ्तार करने का कार्रवाई चल रही है। तो आप लोग वहीं थे जब घटना हुई थी? हाँ, मैं तो वहीं था। तो क्या ये बता रहे हैं कि इसने हत्या ने बात की थी उससे पहले? हाँ, पहले तो एक लड़का बुलाया जो काट रहा था गन्ने, वो बुला, फिर वो चला गया वापसी, फिर मेरे भाई बुलाने को तुआ, फिर इसमें पता नहीं क्या बात थी, उसने ऑटो में से निकल के कारतूस डाल कट्टे में गोली मार दी। वो भागा भागा फिर आ, तो वो भागा ऐसे ही 15-20 मीटर और वो ख़त्म हो गया, फिर गिर गया। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी की हत्या की है, क्या पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, आरिफ है 22 वर्षीय युवक था, जिसकी आज सुबह गोली मार के हत्या कर दी गई, जब वो एक दूसरे गांव में मजदूरी करने गया हुआ था। जानकारी करने पर, मौके पर जाने के बाद जो तथ्य जानकारी में आया कि उसका अपने चाचा की लड़की के साथ कुछ इलिसिट रिलेशन का शक था चाचा को, और उसी शक के आधार पर उसने भतीजे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।